गाइस वेलकम बैक टू द न्यू गेम प्ले ऑफ पोकेमोन। तो जिसने भी पिछला पार्ट नहीं देखा वो पिछला पार्ट ज़रूर देखे, तभी उसे समझ में आएगा कि आखिर हमारी ये स्क्रीन इतनी हिल क्यों रही है। तो हम इस जगह से नहीं निकल पाए थे बाहर, पर अब मैं यहाँ से निकलने का रास्ता जो है वो खोज रहा हूँ। तो देख लो भैया, सारे क्रिस्टल तो विलेंस ले गई थी, पर यहाँ अभी भी दो क्रिस्टल हैं, मतलब दो एग जैसे हैं। ओ आ गए दोनों के दोनों, चारों के चारों मतलब। ओ ये लाल कलर काफ़ी ग्लो कर रहा है और ये नीला वाला भी। इन स्टोन से बात करके देखते हैं। अरे यार ये तो कुछ हो ही नहीं रहा है जब हम बोल रहे हैं तो। हाँ हमेशा ये दोनों जब बोलते तभी होता है, सही कहा। चलो बेटा तुम दोनों ट्राई करो। ओके तो साहिल क्या तुम इसके लिए तैयार हो? मैं तो हमेशा ही तैयार रहता। ओके तो चलो हम दोनों ट्राई करते हैं। जल्दी करो नहीं कहा पता भूकंप से गिर पड़े। तुझे हाथ तो पकड़ के घुमा। अंडे कहाँ गायब हो गए? ओहो नहीं पता हमें खुद ही। ओ लगता है ये सब बहुत ही जल्दी हो रहा है। हाँ मुझे तो अपनी आँखों पर यकीन ही नहीं हो रहा। हाँ बस अब यहाँ कुछ होने वाला लग रहा। तुम दोनों में ज़रूर कोई जादू ही सकती है तुम। ओ ओ ये क्या है? हम ठीक हैं पर कैसे? हाँ ओ नो दरवाज़ा बंद तो बीमारी बंद। सही कहा। तो देखो भैया दरवाज़ा बंद हो गया तो हमें भी यहाँ से निकल लेना चाहिए। हाँ बच्चों तुम सब ने कभी ये सोचा भी था कि तुम सब ऐसे मुश्किल वाले टास्क में रुक पाओगे? ये कोई टास्क था? हाँ इतने ख़तरनाक मिशन में हम सब ने कमाल कर दिया। हाँ मेरा मतलब सबसे ज़्यादा योगदान साहिल का था, तुमने गार्डियन से मिले। हाँ और टीम टंडर। लेकिन मुझे अपनी जर्नी ही ख़त्म करनी होगी लगता है, ऐसी बुरी जगह से मैं नहीं जाने चाहती। ये सही नहीं है बेटा, सफ़र में कई अनगिनत मुकाम आते हैं जिसमें तुम अपना सफ़र सुहाना बना सकते हो, और इस छोटी सी टीम से डरने की बजाय तुम उन गार्डियंस को सोचो और उन पर यकीन करो और अपने इस ख़तरनाक जर्नी पे आगे जाओ जो तुम्हारे लिए ज़रूरी है। पर मुझे अभी भी डर लग रही है, मैं दोबारा ये सब नहीं करना चाहती। ओह ये काफ़ी अच्छा था वो आइडिया। हम ऐसे मिशन में बार बार फंस सकते हैं क्यों, है ना? हाँ तो एक दूसरे से कंटैक्ट कैसे करेंगे? तो मैंने तुम लोगों के लिए एक चीज़ लाई है, तो क्या वो चाहिए? हाँ जल्दी बताइए। तो क्यों? हाँ सही कहा। ओ पर वो टीम टेंडर अगर दोबारा आई तो? हाँ ये भी हो सकता है। तो साहिल अगर टीम टेंडर दोबारा आई तो क्या तुम हमारे साथ चलने के लिए तैयार होगे? ऑलवेज राइट। ओके तो तुम्हारा मिशन अगला होगा येल्लो पॉकिन आगे, इससे हम सब एक दूसरे से कनेक्ट करते रहेंगे जब भी फ़ोन लगाना हो हाय हेलो करने के लिए और किसी मिशन के लिए भी। तो चलो चले। तो देखो बेटा। हाँ पापा बोलिए। तो तुम सब काफ़ी अच्छा सफ़र कर रहे हो, टीम टेंडर बनाने में हमारी मदद करोगे और उनकी इन्फॉर्मेशन लाने में भी। ओ ओ हुँ? हुँ? क्या हो क्या? मैं काफ़ी दुखी हूँ। पर क्यों, आखिर हुआ क्या बताइए? मैं रस्ते से जा रही थी, भेलपूरी खा रही थी। क्या अब रस्ते से क्यों जा रही थी, भेलपूरी क्यों खा रही थी? उनको मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं। ये मेरी मॉम है। हाँ ये मेरे डैड हैं और ये मेरी मॉम है। थैंक यू मॉम। अच्छा तो ये आपका घर पर पैदा? हाँ ये मेरे घर है बेटा। ओह हेलो आंटी जी नमस्ते। ओ तुम चाय वाय मिले? चलो ठीक। वो दो कप रखें क्या, मैं एक कप चाय पी सकता हूँ?
ओके ठीक है चलो। अरे यार मैं तो वहाँ कुर्सी में जा ही नहीं पा रहा था, चाय कहाँ से पीऊँगा। ये बड़े डिजाइन से चाय रखा गया, कोई बात नहीं चलो चलते हैं यहाँ से। ओ तो तुम जा रहा हो था? हाँ हाँ मुझे लगता है मुझे भी घर जाना चाहिए, और मुझे अपने सफ़र में क्यों साहिल। हाँ साहिल तुम अच्छा कर रहे हो, क्यों ना तुम भी अपने सफ़र में आगे बढ़ो, जब भी ज़रूरत होगी पॉकेट आवे तो है ही। साहिल तुम्हें कौन सा स्टोन चाहिए, पिंक स्टोन की ब्लू स्टोन? देखो भाई पिंक तो लड़कियों का कलर होता है, मैं ब्लू लूँगा बॉयस। ओके येलो ब्लू स्टोन इसे अपने जेब में रख लो, और तुम पिंक वाला रख लो बेटी। वाह तुमने अच्छा काम किया, मुझे भी एक स्टोन मिलेगा क्या? हमारे पास स्टोन ही नहीं है। हाँ तेरी की, मेरे लिए स्टोन ही नहीं बचा। देखो तुम दोनों को स्टोन मिल गया, बाय बाय। अरे आप अपने घर छोड़ के कहाँ जा रहे हैं भाई? लैब मुझे घर के अंदर चलाना। ठीक है मैं भी अपने घर में थोड़ा आराम करूँगी फिर जाऊँगी सफ़र में। घर इस तरफ है बेटा, मैं तो मजाक कर रही थी, मैं जा रही हूँ अपने सफर में। हे टीचर भैया पॉकी नैबी मिल गया, देखते क्या क्या है इसमें। वो वहाँ मैप है और किताब है, हाय टीचर और इन टू द गुड से हाय टीचर। वाह वाह तो चलो भैया हमारे पास तो मोबाइल आ गया है, किसी को भी पहचान कर सकते हैं। तो अब अपने सफ़र में आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ने के सामने जिसने मेरे तक वीडियो को लाइक नहीं किया कर लिया, काफ़ी अच्छी जर्नी चल रही है हमारी। इस जर्नी का पार्ट बन गया वीडियो को लाइक करके, रुको 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 तो चलिए हमारे बया देखा। चलो मुझे लगता है कि अब जगह जरूर खाली हो गई होगी, जहाँ पर एक आदमी नहीं खड़ा रहता था जो कि इस तरफ से रास्ता है। तो हमें लगता है अब जर्नी में आगे चलना चाहिए। ओ वैसे मैं गलत जा रहा हूँ, चारा से जाएंगे तो मर जाएंगे, पोकेमॉन है ना परेशान करने के लिए। ओहो जाना था जपान पहुँचिए, ट्रेन से कूद जाते थे कुछ दोस्तों, हमें जाना है इस तरफ। लेकिन 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 मैं सोच रहा हूँ उससे पहले पोकेमॉन सेंटर चल चले, ताकि अगर गलती से मैं पोकेमॉन बैटल हारा तो यहीं आ जाऊँ ना दोबारा। वाह वाह क्या सारी थी। अच्छा मेरे पास दो पोकेमॉन है, हाँ आबरा है ना, आबरा से याद आया आबरा को भी तो लेवल अप करना है, मैं आबरा को आगे कर लेता हूँ जिससे उसको थोड़ा एक्सपीरियंस मिल जाए। अरे यार स्विच करना है स्विच, चलो इस तरफ जाना है। हटो भाई क्यूबॉन रास्ते से रो रहा है बीच में, हटो 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 हट जाओ हट जाओ हट जाओ। हो हेलो अंकल नमस्ते, आप यहाँ पर खड़े हैं? मैं बस लोगों को देख कर रहता हूँ, क्या काम है अच्छी काम है। तो चलो चलते हैं इधर, चला क्यों नहीं मुझसे एक बैटल हो जाए। मेरा नाम है निक और ये रहा मेरा आपका, तो निकलोडियन चैनल में तुम काम करते हो। हाँ जाओ फ्रॉकी, मुझे लगा था कि मैं आबरा से खेलूँगा पर उसे पता नहीं ये मेरी स्ट्रेटजी है। देखो भैया आबरा को टेलीपोर्ट आता है जो कि काम करेगा नहीं, इसलिए उसको लेवल अप ऐसे ही करना होगा। अगर आप भी आबरा पढ़ते हैं, ये देखिए लेवल 7 का आबरा हो गया है ना, और 11 लेवल का अपना फ्रॉकी। देखो खेलो आया, मैं फिर से आबरा को भेजूँगा ऐसे, और अब कहाँ गया और अरे यार कल कभी इसके प्लीज काम नहीं करते हैं। फिर मैं भेज दूँगा फ्रॉकी को, और फ्रॉकी अपने 2 अटैक से हरा देगा इसे बबल से। ये देखिए एक बार और ग्राउंड बेकार है, और इससे दोनों का एक्सपीरियंस मिल जाएगा। ये देखिए आबरा लेवल 8 का हो गया ना, ऐसे एक्सपीरियंस दिला सकते हैं आबरा को जब तक उसका कोई अटैक निकल जाता। ओहो भैया इंडो रैन पकड़ना नहीं है मुझे इसको भाई। ओ नहीं यार लगता है यहाँ काफ़ी सारी बैटल हैं, तो आगे जाते जाते तो काफ़ी देर हो जाएगी, तो क्यों ना यहाँ के लिए बैटल स्किप कर लूँ वीडियो में। बैटल मैं करूँगा लेकिन स्किप कर दूँ तो ये अच्छा रहेगा, कमेंट करना अगर कमेंट आया तो नेक्स्ट टाइम से मैं बैटल स्किप कर लूँगा, सीधे आगे बढ़ते जाएंगे सफ़र में। मतलब ऐसे इसमें कोई सिस्टम नहीं दिया स्किप करने का, मैं वो सीन रिकॉर्ड ही नहीं करूँगा ऐसे, जिससे कि वीडियो भी छोटी रहे और आप सफ़र भी इंजॉय कर सकें। पर अगर आप देखना चाहते हैं कि मैं कैसे बैटल जीत रहा हूँ तो नहीं करते स्किप। लो भैया फ्रॉकी लेवल 12 का हो गया है, ओ भैया यहाँ तो ट्रेनर भर पा रहा है, लगता नहीं है कि यहाँ से जिंदा जा पाऊँगा। भला था ये देखो ना ये स्कूल से भाग रहा है,
वैसे स्कूल से याद है, स्कूल से तो अभी भागे लग रहे हैं। ओहो, कौन आ गया? ओहो, फ्लैजिंग, मैंने पकड़ा एक फ्लैजिंग। ये वीडियो बनानी है, रुको, मैंने कुछ सोचने दो। फ्लैजिंग पकड़ो कि ना पकड़ो, पकड़ लेना चाहिए, ये तो ऐसे ही मस्त पकड़ना है। इसके लिए मैं अपने फ्रॉकी को भेजूँगा, क्योंकि आवरा के पास तो टेलीपोर्ट है और फ्रॉकी हार ना जाए कहीं। कोई नहीं, बबल नहीं यूज करूँगा, नहीं एक बार में ना हार जाए। ओहो, पांग से थोड़ी वादा, फ्रॉकी तो गया भाई, अब तो आवरा ही बचा है। तो मैं एक बार ट्राई करता हूँ, फिर तो अगर नहीं आई कैच में तो समझ लो ना आएगी। ओ भाई, देख रहे हो ना लेवल, और इसके पास तो टेलीपोर्ट है जो कि यहाँ काम ही ना करे। ओ भाई, कमाल हो गया, शुक्रिया आवरा। दोस्तों, हम मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, और आगे की सारी बैटल मैं कर लूँगा। उसके लिए वीडियो कर दीजिए लाइक, चैनल को सब्सक्राइब। बाय बाय, टाटा। ओए हाँ।